यार हम फ्री फायर वाले पबजी के सामने कुछ भी नहीं है। पबजी हमेशा टॉप पर था और टॉप पर ही रहेगा। अब जब मैं कोई भी बुरा वीडियो पबजी के बारे में नहीं डालूंगा। और यार पबजी सही में बहुत सही गेम है और हार्ड गेम है। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम लोग तो वही हो, हमारे फ्री फायर के बॉट। खुदा मेरी वीडियोस को जो लाइक करे उनकी मायूस जिंदगी खिल जाए, और जो कमेंट करे उनको उनकी मोहब्बत मिल जाए। अरे माँ, या कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के उनके साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? बदमाशी छोड़ दी हमने, लेकिन लोगों के लिए हम आज भी रंगबाज हैं। कि बदमाशी छोड़ दी हमने, लेकिन लोगों के लिए हम आज भी रंगबाज हैं। मुन्ना जितना तू सोचता है ना, हम उससे ज्यादा खराब है। यहाँ कौन नूब और कौन प्रो हमें मत सिखाओ, कौन नूब और कौन प्रो हमें मत सिखाओ। अगर ये नूबड़ों का गेम लगता है तो बेटा खेल के दिखाओ। ये फ्री फायर है दोस्त, इसको भूलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हम फ्री फायर वाले हैं बेटा, लास्ट जोन में हम लोग अपने दोस्तों की भी नहीं सुनते। तो तुम तो पीठ पीछे भौंकने वाले पबजी हो, तो तुम्हारी कहाँ की सुने। फ्री फायर वाले भैया लगा चैलेंज, जीतने की तो बड़ी बात है, थोड़ा सा डैमेज भी दे दियो ना तो जिंदगी भर फ्री फायर नहीं खेलूंगा। वो तो तुम्हारे नकली दोस्त हैं जो तुझे ओम मांगने पर ओम दे देते हैं, असली तो वो हैं जो एक स्कोप मांगने पर भी हजारों गालियां देते हैं। हम फ्री फायर वाले, हमें किसी से जलने की जरूरत नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस 22 तारीख को बहुत सारे बंदों को डीजे लोग मिल गया है, और जिन भाइयों को नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, धीरज रखो, क्योंकि इतने इतने भाइयों को एकदम से एक ही बार में नहीं देख सकते है ना। तुम जैसे कुत्तों से डरते होंगे वो कायर, कि तुम जैसे कुत्तों से डरते होंगे वो कायर। हम तो घर में घुस के ठोकने वालों में से हैं, बिकॉज आई एम लवर ऑफ फ्री फायर। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक के ये निकल जाने में? कि छोटा हो या बड़ा सबको फ्री फायर खेलना सिखा दूंगा, छोटा हो या बड़ा सबको फ्री फायर खेलना सिखा दूंगा। और जो हमें नूबड़े कह के भौंकते हैं, बेटा फ्री फायर में आओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। फ्री फायर लवर को करना है लाइक और पबजी लवर को करना है कमेंट। चलो देखते हैं आज कौन जीतता है। अब तो हमें फ्री फायर में जैक भाई चैलेंज किया है, जो अपनी किल बढ़ाने के लिए क्लासिक में खेलता है। आईडी मेंशन करो, बहम तोड़ देंगे। सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। अगर कोई फ्री फायर में अपने आप को प्रो सोचते हो तो अपनी आईडी कमेंट में लिख दियो, कसम से जिंदा गाड़ देंगे। कमाल है यार, अब पबजी वाले कह रहे कि हम गरीब है। हाँ भाई, हम फ्री फायर वाले ना गरीब होते हैं, और ज़्यादातर के पास तो अच्छे डिवाइस भी नहीं होते हैं। बट एक रियल बात पता है क्या है, हम भी ना पबजी कभी ना कभी खेले हैं, और इसमें बंदे ज़्यादा लोग यार घास में लेटे रहते हैं। बट यार हमें पता है फ्री फायर में ना ऐसा कभी नहीं होता है, और ये तो आमना सामना फाइट होता है, और ये आमना सामना फाइट कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं भाई, हार्ड होता है, तुम्हारी तरह लेट कर नहीं। फ्री फायर एक ऐसा दबा है हर गम को भुला सकता है, फ्री फायर एक ऐसा दबा है हर गम को भुला सकता है। जो एक बार फ्री फायर खेल लेना वो फ्री फायर में ही समा जाता है। यहाँ कौन नूब और कौन प्रो हमें मत सिखाओ, कौन नूब और कौन प्रो हमें मत सिखाओ। अगर ये नूबड़ों का गेम लगता है तो बेटा खेल के दिखाओ। अरे यार इतनी कैंपिंग क्यों? अरे घर बसा लो ना अपना, वहां पर चाय पानी ले आता हूँ, सुट्टा भी ले आता हूँ।
हाँ हमारा मैप छोटू सा है। बहुत ही अच्छी बात है, पता है क्यों? क्योंकि यार फ्री फायर में सभी बंदे रसर होते हैं और पबजी में सर्वाइवर मतलब नुबड़े। तो यार छोटे में जितने बंदे मिलते हैं ना उतने बड़े में ढूंढने में लग जाते हैं, उतना टाइम हम बुइया करके चले आएंगे। तो इसीलिए यार फ्री फायर इज द बेस्ट, बात को समझो। ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका। ओ मेरा तो मोबाइल ही खराब है। फ्री फायर खेलूं मैं? फ्री फायर खेले तो बता दे। जो जो बंदे बोलते हो ना एक बार पबजी खेल लो फ्री फायर का नाम भूल जाओगे। अरे भाई ये जो फ्री फायर है ना हमारे खून में दौड़ता है और किसी का बाप का दम नहीं हमको फ्री फायर से अलग कर सके। जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं उन्हें हम कुछ नहीं समझते। जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, अपनी हैसियत खुद बनाई है, दिन रात की है मेहनत मैंने, ये इज्जत किसी की चाट के नहीं कमाई है। हाँ भाई वो सब तो सही है। अबे नेट नहीं चल रहा बे। अरे यार मार दिया मार के। अबे अबे फेंक। अबे फोन फोन पटक गया था भाई। अरे भाई कुछ बोल। हेलो। अरे भाई क्या कर दिया फोन फेंक दिया था। पागल वागल दिख रहे क्या तुमको? तू कहाँ हुआ क्या पट गया इधर गए थे हम अभी। अरे पानी पी रहे थे ग्लास फेंक दिए। जब वो किसी और लड़की के पास गया और मैंने उस लड़की को देखा, कमाले मोहब्बत थी उसकी। जब उसका दिल ही लग गया था एक गधी से तो परी क्या चीज है उसके लिए। ए रुक 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 कहाँ जा रहा है? वो साहब गांव जा रहे हैं। कितना दूर है? बस 50 किलोमीटर और है, 100 किलोमीटर चल के आए हैं। लॉकडाउन है पता नहीं है, जाना जरूरी है। ओ साहब हमारा बच्चा। अरे जाने दीजिए साहब, इसका बच्चा भूखा होगा। नहीं साहब हमारा बच्चा भूखा नहीं है। तो बच्चा तो भूख से मर गया, उसी का संस्कार दास संस्कार है। आप रोकेंगे हमको तो रुक जाएंगे हम, यहीं रुक जाएंगे साहब। अब गांव जाके करेंगे क्या? बच्चा तो। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में सोचा किसी अपने से बात करो, अपने किसी खास को याद करो, किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का। दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करो। ईद मुबारक गाइस। वाह 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 वाह। यस ब्रो सी इज ऑनलाइन बट नॉट फॉर यू। सर जल्दी स्टार्ट करो। अरे एक लड़का रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है तो कर लो जल्दी। अरे 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 आप वही हो ना? कौन भाई? अरे आप वही हो यार, आपको मैंने कहीं देखा है। हाँ टिकटॉक पे देखा, आप टिकटॉकर हो ना? अरे छोटा सा टिकटॉकर हूँ यार। अरे मैंने आपकी सारी गेम की वीडियो देखी है, सारी की सारी। क्या वीडियो बनाते हो यार आप, क्या वीडियो बनाते हो? अरे थैंक यू ब्रो, मैं तारीफ नहीं कर रहा बोल रहा हूँ, क्या वीडियो बनाते हो इतनी टट्टी। यही बोलने के लिए मैं गेम में आया था, भाग नहीं खेलूंगा आपके साथ। अरे क्या सर? अरे लड़की के सामने बेइज्जती करके चला गया यार। मैंने तुम्हें किसी और के साथ भी घूमते देखा है, मेरे अलावा और कितनों पे मरती हो? नहीं बाबू वो मेरा भाई था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या मजाक करती हो? मुझसे नाराज हो तो आंसू बहालो और लगाना ही है तो गले लगा लो। और ये व्हाट्सएप इंस्टा की बातें मुझे समझ नहीं आती, अब बात ही करनी है तो फोन लगा लो। औकात देखेगी मेरी महबूबा। हाँ भाई लड़कियाँ इतनी एटीट्यूड क्यों दिखाती है? भाई लड़कियाँ कितना भी एटीट्यूड दिखा ले पर वो अपनी बहन की शादी में अपनी औकात बताई देती। वो कैसे? चप्पल चुरा के। मेरी बस इतनी सी कहानी है, अच्छा लगता है तो अच्छा बोलता हूँ, बुरा लगता है तो बुरा बोलता हूँ, जो भी लगता है मुंह पर बोलता हूँ। जिन्होंने भी तेरा ये हाल किया ना मैं उनको तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, लेकिन तेरी मरहम पट्टी करने के बाद अब कैसा लग रहा है? ठीक ही है। मैं बुरा हूँ
तो बुरा सही, तुमने अच्छा बनके क्या उखाड़ लिया।